हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आज हम कैरी का अचार बनाएंगे। इसको हम कच्चे आम का अचार भी बोलते हैं। कच्चे आम का अचार बनाने के लिए मैंने 2 किलो कैरी ली थी। इनको मैंने अच्छे से धो लिया था कैरियों को, और ये कैरियां हमें बाजार से लाते वक्त बिल्कुल टाइट लेनी चाहिए, नरम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अचार अच्छा नहीं बनता। उनको मैंने अच्छे से धो लिया था, कच्चे आमों को धो के फिर उनको कपड़े से पोंछ लिया था, फिर उनको कट किया था। कट करने के बाद उसके 4 पीसेज कर लिए एक कैरी के, और उनको अच्छे से सुखा दिया लगभग 4 घंटे के लिए, और मैंने सुखा के तैयार कर लिया है। तो चलिए कच्चे आम का अचार बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 किलो कैरियों को ले लिया है। अब इसमें 1 कटोरी सौंफ डाल देंगे, दरदरी पीसी हुई 1 कटोरी दरदरी मेथी, 1/4 कलौंजी, 1/4 छोटी कटोरी, ये आप अपने टेस्ट के अनुसार भी डाल सकते हैं। और इसमें नमक 1/2 कटोरी, क्योंकि इसको भी हम अपने आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। मैंने थोड़ा सा नमक बचा लिया है, इसको मैं बाद में डालूंगी। 1/2 कटोरी लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हल्दी 1/2 कटोरी, हींग लगभग 1 चम्मच डाल देंगे। हम 2 किलो कैरी हैं इसलिए, इससे इसकी खुशबू बनी रहेगी, ये टेस्ट में अच्छा लगता है। और इसके लिए हम तेल लेंगे गरम किया हुआ लगभग 2 लीटर, मतलब कैरियां डूब जानी चाहिए। जिस डिब्बे में अपन कैरियों को भरेंगे अचार को, वो उसमें ये कैरियां डूब जानी चाहिए, इतना अपने को तेल लेना है अच्छे से गरम किया हुआ। मैंने तेल को गरम कर दिया है, और अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ गैस बंद करके। अब मैं इसको मिक्स करती हूँ मसाले को। इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। मसाले को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें ठंडा होने के बाद तेल ऐड कर दूंगी, और इसको फिर से अच्छे से मिक्स कर दूंगी। हमारा तेल हल्का ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें हींग डाल देते हैं 1 पिंच, इससे क्या खुशबू बनी रहती है। ठंडा कर लिया था मैंने इसलिए। और इसमें 2 टीस्पून मैंने जीरा डाल दिया, ये थोड़ा सा सिक जाएगा इसलिए। और सौंफ डाल दी 2 टीस्पून, और 2 टीस्पून ही इसमें मेथी पाउडर डाल दिए। साबुत मेथी भी मैंने इसमें डाल दी है गरम तेल में, थोड़ा हल्का गुनगुना तेल है। इनको हमें पकाना नहीं है, पर हमें इनको थोड़े से गुनगुने तेल में डालना होता है, इससे क्या इस तेल की खुशबू बनी रहती है। और इसको हम जब अचार में डालेंगे तो अचार और शानदार बनेगा। ये मेरी माँ का बनाया हुआ नुस्खा है, उन्होंने ही बताई थी मुझे ये रेसिपी, उनकी रेसिपी से ही मैंने आज अचार बनाया, अचार बना रही हूँ। अब इस अचार में जिसमें मैंने मसाले ऐड किए थे कैरियों में, उसमें मैं 1/2 तेल को डाल दूंगी, और इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। गुनगुना तेल होना चाहिए, इसको ऐसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे, इससे क्या मसाले इसमें सेट हो जाएंगे। और मसाले आप अपनी आवश्यकता के अनुसार भी डाल सकते हो। मुझे मैंने मसालेदार अचार बनाया है, इसलिए इसमें मसाले थोड़े से ज्यादा डालें। मैं इसमें 1/2 तेल ऐड कर दूंगी,
मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया तेल डाल के। देखिए कितना शानदार मसालेदार अचार बना है। इसको मिक्स करने के बाद हम इसको एक कंटेनर में भर के रख देंगे, और कंटेनर भी हमारा कांच का हो तो ज़्यादा बेस्ट है, कांच या प्लास्टिक का, और उसे हमें धूप में सुखा लेना चाहिए अच्छे से, उसमें कोई नमी नहीं होनी चाहिए। और तेल को भी, एक तेल को भी हम जब गरम करते हैं तो उसमें हम 4-5 पूड़ियाँ उतार लें तो ज़्यादा अच्छा रहे, उससे पता चल जाता है कि तेल अच्छे से गरम हुआ या नहीं। हमारा आम का अचार बनकर तैयार है, और मैंने इसको कंटेनर में भरकर और तेल डालकर गला दिया है। अब हम इसे 1 महीने के बाद खाने के यूज में ले सकते हैं। 1 महीने के बाद ये अच्छे से गलकर तैयार हो जाएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना, और कोई भी कमी रह जाए तो वो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, जिससे हम उन कमियों को दूर कर सकें।